हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको WCC3 का टेस्ट मैच बॉलिंग ट्रिक बताने वाला हूं। और भाई, ये बॉलिंग ट्रिक एकदम न्यू वर्जन जो कल अपडेट आया उसी का होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपको ये ट्रिक समझ में आएगा। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो भाई लोग, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, WCC3 में विकेट्स लेने के लिए आपको सबसे पहले एक फील्डिंग लगाना है। तो आपके स्क्रीन पर अभी जो फील्डिंग मैं लगाकर दिखा रहा हूँ, सेम टू सेम आपको इसे ही कॉपी करना है। देखो गाइस, आप इसे कॉपी कर लेना और इसे सेम टू सेम अपने गेम में चिपका देना। उसके बाद ही आपको विकेट्स मिलेगा, चाहे आपके सामने लेफ्टी बल्लेबाज हो या फिर आपके सामने राइटी बल्लेबाज हो। मेरे ट्रिक से आप दोनों को आउट करा सकते हो, और वो भी 0 से 5 रन के अंदर। तो कैसा टिप्स है, किस किस बात को फॉलो करना है, सब कुछ मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस देखो, सबसे पहले अगर आपके सामने राइटी बल्लेबाज हो या फिर लेफ्टी बल्लेबाज हो, बस आपको एक काम करना है कि अगर आपके सामने राइटी बल्लेबाज हो तो आप अंपायर के राइट हैंड साइड से बॉलिंग कराना, और अगर लेफ्टी बल्लेबाज है तो आप अंपायर के लेफ्ट हैंड साइड से बॉलिंग करा लेना। यहाँ पर देखो, पहले मेरे सामने लेफ्टी बल्लेबाज है, और गाइस पहला ही ओवर का ये पहला बॉल है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि पहले ही बॉल पर मेरे को विकेट्स मिल चुका है। तो कैसे विकेट्स लेना है वो भी मैं आपको अब बता देता हूँ। तो गाइस, लेफ्टी बल्लेबाज को आप अंपायर के लेफ्ट हैंड साइड से बॉलिंग करना, और आपका बॉल का वेरिएशन जो होने वाला है उसमें बस आपको 2 वेरिएशन रखना है। एक तो लेफ्टी बल्लेबाज के लिए इन स्विंग, जो कि बॉल पूरा बाहर की ओर जाए, और एक स्लोअर बॉल। उसके बाद जैसे ही आप ये वेरिएशन रख लेते हो, तो आपको बॉल का लेंथ और लाइन जो रखना है वो मैं आपको अब बता देता हूँ। बॉल का जो लाइन रहने वाला है गाइस, वो एकदम ऑफ स्टंप के आसपास रहना चाहिए, और लेंथ जो रहने वाला है वो एकदम फुल टॉस, जितना फुल टॉस हो सके उतना फुल टॉस आप इसे करा देना, और बॉल का लाइन एकदम ऑफ स्टंप से सटते हुए रख देना। उसके बाद भाई, आप देखोगे कि आपको आराम से विकेट्स मिल जाएंगे। और इस प्रकार से गाइस, आप लेफ्टी को ही नहीं, किसी भी बल्लेबाज को आउट करा सकते हो। राइटी में थोड़ा सा अलग है भाई, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और इस वीडियो में साथ ही साथ मैं आपको 10 विकेट लेकर दिखाने वाला हूँ, और वो भी 5 या 6 रनों के अंदर। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो गाइस, जैसा आप लोगों ने देखा, इस ट्रिक से लेफ्टी बल्लेबाज तो बहुत जल्दी फटाफट आउट होते जा रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको राइटी बल्लेबाज को भी आउट कराकर दिखा देता हूँ। लेकिन भाई, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल क्रिकेट 22 का टेस्ट मैच बॉलिंग ट्रिक नहीं देखा है, या फिर WCC2 का टेस्ट मैच बॉलिंग ट्रिक नहीं देखा है, तो दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, दोनों का थंबनेल आपके स्क्रीन पर आया होगा। आप लोग एक बार उसे भी देख लेना। आप लोगों के लिए इसी वीडियो की तरह वो वाला वीडियो भी बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप उस वीडियो को भी देखोगे तो आप उन सभी गेम के अंदर भी आराम से टेस्ट मैचेस में विकेट ले पाओगे, चाहे आप हार्ड मोड खेलो, हार्डकोर मोड खेलो, या फिर आप इजी मोड खेलो। आप किसी भी मोड में खेलोगे तो आप मेरे ट्रिक से सारे गेम्स में डेफिनेटली विकेट्स ले पाओगे। तो बाकी भाई, चलिए अब मैं आपको राइटी बल्लेबाज को भी आउट कराकर दिखा देता हूँ। तो गाइस, राइटी बल्लेबाज को आउट कराने के लिए आपको बॉल करना है अंपायर के राइट हैंड साइड से, और गाइस बॉल का वेरिएशन जो रहने वाला है वो वही एकदम स्लोअर बॉल या फिर राइटी बल्लेबाज के लिए इन स्विंग। बस आपको 2 ही वेरिएशन पे काम करना है। अगर आप इन दोनों वेरिएशन को अच्छे से यूज करोगे तो डेफिनेटली आप विकेट्स ले पाओगे। और गाइस, लेंथ और लाइन वो भी एकदम सेम टू सेम लेफ्टी बल्लेबाज की तरह ही रखना है, ऑफ स्टंप के आसपास एकदम फुल टॉस। जैसे ही आप इस लेंथ और लाइन पर बॉलिंग करोगे और इस वेरिएशन से बॉलिंग करोगे, तो बल्लेबाज इसमें बहुत ज़्यादा चकमा खा जाता है। उसे लगता है कि बॉल बाहर की ओर जा रहा है, और उसे वो लेव करने का कोशिश करता है, या फिर कभी कभी प्ले करने का भी कोशिश करेगा, तो आपको वहाँ पर LBW विकेट्स मिल जाएंगे। और गैस, इस ट्रिक से बस LBW ही नहीं, कभी कभी आपको बोल्ड विकेट भी मिलने वाले हैं। तो गैस, आप इस ट्रिक को अच्छे से यूज करना, तो डेफिनेटली आप भी WCC3 के न्यू वर्जन में आराम से विकेट्स ले पाओगे। तो भाई लोग, ये वाला ट्रिक तो हुआ टेस्ट मैच का। अगर आप लोगों को न्यू अपडेट, न्यू वर्जन का क्विक मैच बॉलिंग ट्रिक चाहिए कि उसमें कैसे विकेट्स लें, जल्दी से जल्दी अपने अपोनेंट को कैसे आउट कराएं, तो आप लोग उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हो। मेरे पास ट्रिक ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग जैसे ही बोलोगे तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा। और बाकी भाई, आप लोगों को अगर किसी भी गेम के अंदर कोई भी टिप्स चाहिए, अनलिमिटेड प्लेटिनियम कॉइन्स कैसे लें WCC3 में, या फिर WCC2 में गोल्ड कॉइन्स कैसे लें, या फिर अपने लेवल को कैसे इंक्रीज करें RC22 गेम के अंदर,
इन सभी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग उसे भी चेकआउट कीजिएगा। देखो गाइस, मैं आप लोगों के लिए जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स लाता हूँ वो एकदम 500 to 1000% वर्किंग होता है, तभी मैं लेकर आता हूँ। आप लोगों को ट्रिक बताने से पहले उस ट्रिक को मैं 5 से 10 बार यूज करता हूँ। अगर वो ट्रिक 110% वर्किंग होता है तभी मैं ट्रिक लेकर आता हूँ। बाकी भाई आप लोग भी इस ट्रिक को ट्राई करना, डेफिनेटली मुझे पता है कि आप लोगों में भी ये वाला ट्रिक वर्क कर जाएगा। तो बाकी भाई लोग यही था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो भाई लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों के पास ये वाला ट्रिक पहुँच सके और वो भी WCC3 के न्यू वर्जन में टेस्ट मैचेस में आराम से विकेट्स ले पाए। और भाई लोग आप लोग थोड़ा सपोर्ट किया करो यार, बहुत दिनों से आप लोग अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।